को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल लेवल कम स्किनर बना है और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे व्यू दे 8 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक सॉरी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी और फ्यूचर्स का व्यू दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करता हूँ वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी दिखाता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और प्रॉफिटेबल रहने के लिए आप लोग को हेल्प करेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और भी बहुत कुछ एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं ये जो वीडियोस मैंने बनाता हूँ और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये प्योरली एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है। मैं NSM सर्टिफाइड हूँ मैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग ट्रेड करने के लिए ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में करेंगे और आप लोग को फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। तो देखिए मैंने कल के लिए मैंने बाइसेल लेवल बनाता हूँ और जो इसमें इस फाइल में क्या क्या है कैसे क्या लेवल है वो आप लोग वीडियोस आप लोग उसका वीडियोस है व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन बाइसेल लेवल कम स्किनर वो वीडियो आप लोग वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। इसका मतलब लिंक भी आप लोग को इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट में ही आप लोग को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है और इसमें आप लोग को बेनिफिट क्या है वो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोस जो देखेगा वो भी देख लीजिए और लाइव ट्रेडिंग जो वीडियो दिखाता हूँ वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसमें मैंने बाइसेल लेवल का तीनों बाइसेल लेवल देता हूँ। बाइसेल लेवल 1, बाइसेल लेवल 2 और बाइसेल लेवल 3। उसके अलावा गन लेवल, फिबोनाची लेवल, 360 एनालिसिस, बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ तो आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। तो यह है बाइसेल लेवल 1, यह है बाइसेल लेवल 1। इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। सेल का भी ऐसा है। तो आप लोग मेरा आज का वीडियोस और टुडेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस आप लोग देखिए, आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियोस और लाइव इलस्ट्रेशन और टुडेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस जो है वो देख लीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कैसे एंट्री लेना है। तो इसमें गैप अप और गैप डाउन को आप लोग को कंसिडर कर लेना है। सोच लीजिए 665 के बीच में है तो आप लोग को 659 का इसका आप लोग को 665 के लिए ट्रेड लेना है। 665 का नज़दीक है तो आप लोग को 665 छोड़ के नेक्स्ट लेवल 665 छोड़ के जब ये लेवल जब ऊपर के ऊपर जाएगा तब नेक्स्ट लेवल पे एंट्री लेना है। और इसके बाद आप लोग कोई भी एक लेवल में बहुत सारा लेवल्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी एक लेवल चुन के ट्रेड कर सकता है। नहीं तो सब लेवल कंपेयर करके जो मतलब एक डिसीजन ले सकता है कि इस लेवल पर हम लोग को एंट्री लेना है। और कोई भी लेवल पे कुछ काम नहीं करेंगे तो आप लोग को मेरे को ज़रूर फीडबैक देंगे। यह है वैसे लेवल 2 आप लोग को दिखा दिया और आप लोग को जब दिखाता हूँ तो आप लोग को भी दिख जाता है इधर क्या क्या है, इसमें क्या इंडिकेटर्स लगा हुआ है। तो यह है वैसे लेवल 3, ये R1 बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। और यह है पिवट पॉइंट का लेवल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानता है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट किसी भी स्टॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। वही बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल का अपर बैंड, लोअर बैंड, मिड बैंड आप लोग नोट कर सकते हैं, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये टीरॉन लेवल का जो टॉप लेवल, मिड लेवल और टॉप लाइन, मिड टी जो टीरॉन लेवल है इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू भी नोट कर सकता है, ये भी आप लोग का एंट्री पॉइंट बनेगा। और इसके बाद आता है गन लेवल, यह है गन एंगल का लेवल, यह है रेजिस्टेंस का लेवल और यह है सपोर्ट, इसके बाद यह है सपोर्ट का लेवल। ठीक है, मतलब उसमें हम बाई करना है और इसमें सेल करना है।
और ये है गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल, ठीक है। इसके बाद ये है मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें देखिए 659 से 663 के अंदर जब रहेगा आप लोग को नीचे स्ट्रेट लेना है, और जब 659 मतलब मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा हो सकता है 656 और 650 के बीच में है, और जब 656 और 663 के बीच में है तो आप लोग को आप साइड में ट्रेड लेना है। और इसके अलावा और भी है, आप लोग किस हर एक जो सूटेबल रहेगा लगेगा मार्केट ओपन होने के बाद, आप लोग मेरा आज का जो इलस्ट्रेशन लाइव इलस्ट्रेशन दिया हूँ उसका लेवल देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। ये है 360 का लेवल, 360 का फर्स्ट साइकिल, ये अप साइड का फर्स्ट साइकिल, और ये डाउन साइड का फर्स्ट साइकिल, ये अप साइड का सेकंड साइकिल, और डाउन साइड का सेकंड साइकिल, और ये अप साइड का थर्ड साइकिल, डाउन साइड का सेकंड साइकिल, और ये है ये भी एक ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है। और एक लेवल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल करके देख सकता है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 12 का लेवल, ये भी आप लोग कर सकता है, इसको भी आप लोग करके देख सकते, ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके बाद मैंने एक्चुअली ये तो लेवल दिखा दिया, इसके बाद वोलेटिलिटी, ये सब जो लेवल है इसका वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन और वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, सेम लेवल्स। वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ लिंक करने का मतलब जब होता है कि जब और भी मतलब सुविधा हो जाता है, एग्जैक्ट लेवल आता है, मतलब जितना सा वोलेटिलिटी है को मैंने आप लोग को बाद में समझाऊंगा, जब किसी एडुकेशनल पर्पस, प्योरली एडुकेशनल पर्पस और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैंने क्या काम करता है। आप पहले ये लेवल देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को कुछ फीडबैक लेना है तो आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए, ये है 100 DMA स्ट्रैटेजी। 100 DMA का स्ट्रैटेजी ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जिस जिस कैंडल का आज का डेली कैंडल को काट किया है उसका इसका जब हाई लो तोड़ेगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, मतलब अच्छा मूवमेंट मिलता है। इसमें भारतीय एयरटेल में बना है, इस आप लोग कुछ चार्ट में लगा टेस्ट कर सकता है, मैंने भी दिखा सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं होगा। इसमें डाबर में बना है और IGL में बना है और इधर लुपिन में बना है, और भी बहुत सारा बना होगा, अभी देखा नहीं पाऊँगा। इसके बाद मैंने दिखाऊँगा इनसाइड द बार NR4 NR7 का स्ट्रेटेजी, कहाँ पर ये सिनेरियो बना है इनसाइड द बार NR4 NR7। ये देखिए इधर अदानी पोर्ट में बना है NR4 NR7, ठीक है। इसके बाद बालकृष्ण में बना है, इसके बाद भेल में बना है, इधर वन डे का इनसेट द बना है इक्विटास में। चार्ट में दिखाने से दोस्तों बहुत ही टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने चार्ट में नहीं दिखाता हूँ। वन डे का हिसाब से सोच लीजिए, मैंने डेली चार्ट लगाना पड़ेगा इसको मेरा। बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है चार्ट में दिखाने के लिए, इसीलिए टाइम वेस्ट होता है, लेवल दिखाने का टाइम चला जाता है। तो देखिए इक्विटास को मैंने इनसाइड दबा दिखाना चाहता हूँ, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं इसमें जो कैसे लेवल आता है, मतलब कैसे बना है नहीं बना बना है इक्विटास का। हाँ इक्विटास का देखिए ये इनसाइड दबा बना है, मतलब इनसेट डबर चार्ट का सेट करना पड़ता है। इंडिकेटर इतना लगा हुआ है इधर, आप दिखा नहीं देगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को दिखा पाऊंगा।
तो देखिए इनसाइड द बार का जो है आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लोग को चार्ट में दिख जाएगा। देखिए आज का जो कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल का अंदर है, तो ये जो ब्रेक करेगा तो इसका अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये कंप्रेस की तरह कंप्रेस्ड हो गया है। कंप्रेस की तरह ये मतलब इसका मूवमेंट आएगा। तो इसके बाद NR4 NR7 भी ऐसा है, गेल में बना है इस ऐसा सिनेरियो। इसके बाद अच्छा जो 100 डे मूविंग एवरेज, अच्छा वो कैसे दिखाऊंगा, इससे मेरा इंडिकेटर उठाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। एनीवे हाँ, इधर लोअर हाई लोअर लोस बना है बैंक बड़ौदा में, भारत फर्ज में, हायर हाई हायर लोस बना है बायोकॉन में। देखते हैं बायोकॉन, लगातार 3 दिन से मतलब हायर हाई हायर लोस बना है, वही दिखेगा। देखिए लगातार 3 दिन से हायर हाई हायर लोस बना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सेल शीट में जो भी फार्मूला देके बना है वो वही आप लोग को दिखेगा। भारत फर्ज में बना है लगातार लोअर हाई लोअर लोस लगातार 3 दिन से, ये सब जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो इधर भारत फर्ज चला गया, इसमें देर हो जाता है लेवल्स में दिखाने का ही असल मकसद है, तो ये भी आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। भारत फॉर्ज देखिए लगातार 3 दिन से ये लोअर हाई लोअर लोस बना के आ रहा है, तो इसका जब लो तोड़ेगा तो अच्छा मतलब नीचे डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। इसके बाद देखिए ये इन्वर्टेड हमार कुछ दिख रहा है, इन्वर्टेड हमार दिख रहा है, इन्वर्टेड हमार हैंगिंग मैन कुछ बना है क्या, देख लेता हूँ एक बार। पॉजिटिव है हमार या हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हमार बना है, माइंड ट्री में दिख रहा है इन्वर्टेड हमार। ये देखिए ये इन्वर्टेड हमारा है। उसके बाद और भी तो बना है और दिखा नहीं पता हूँ इतना कहाँ देखूँगा। इसके बाद ये कुछ शेकआउट बना है, शेकआउट भी एक अच्छा मास्टर लॉन्ग, ये एक्चुअली फिबोनाची बेस्ड है मास्टर लॉन्ग। ये आप लोग इसका जब हाई तोड़ेगा तो आँख बंद करके इसका बाई कर सकता है। और मास्टर शॉर्ट जो बना है ये आप लोग मास्टर लॉन्ग मास्टर फिबोनाची 38.2 और मास्टर R1 लॉन्ग, इसका लॉन्ग और इसका शॉर्ट जब होगा तो इसका जब हाई लो तोड़ेगा तो आप लोग आँख बंद करके मतलब बाई या सेल कर सकता है। और इधर बुलिश एनगल्फिंग बना है कुछ, एशियन पेंट में बना है। जो लोग देखिए ऑनली कुछ जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं समझता है और कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड करना नहीं जानता है, वो लोग बाय सेल लेवल्स ऑनली फॉलो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन पेंट में देखिए बुलिश एनगल्फिंग बना है, एकदम परफेक्ट नहीं होता है रियल मार्केट सिनेरियो में। कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बनेगा, लेकिन आप लोग को पकड़ लेना है। और इधर बुलिश एनगल्फिंग और भी कुछ बना है, देखने से तो निकल जाएगा। इसके बाद देखिए लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न, एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न, बजाज फिनांस में, अशोक लेलैंड में आप लोग देख सकते हैं। इधर से जो मैंने एक्सेल शीट में फार्मूला देख के बनाता हूँ, और ये ऐसे फार्मूला देता है कि ऐसे एक दिन का मतलब हाई लो क्लोज या कुछ बहुत सारा बहुत दिन का मतलब ओपन हाई लो क्लोज बना के ये बनता है। तो ये देखिए लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, इसका बाइंग प्रेशर बहुत ही है, इसका सेलिंग प्रेशर आया था, बाइंग प्रेशर बना है, ठीक है। बाइंग प्रेशर बनने के बाद ये लास्ट एंड हुआ है, बुलिश बुलिश होकर एंड हुआ है, इसका बाइंग प्रेशर बहुत ही है, इसका मतलब अप जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है।
जो लोग समझता है तो सकता है आप लोग का मतलब एक स्किनिंग ये देखा चले जाता देखा देता हूँ। जो लेग भी समझता है वो भी आप लोग इधर से मतलब सीख जाने के मतलब जान सकता है। जाने के बाद इसका लेवल इस ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर आप लोग काम कर सकता है। यह देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल है तो इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी अच्छा बनता है। तो इधर लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक बहुत ही तो बना है लेकिन इतना तो नहीं दिखा पाऊंगा। इधर है बुलिश रिवर्सल मतलब नीचे था उसके बाद इसका आप में बना है तो इसका आप साइड एक बनेगा बुलिश रिवर्सल का। रियल मार्केट एकदम नहीं आता है लेकिन अच्छा बन जाता है। इधर तो नहीं बना है इधर शायद कुछ इधर एक्चुअली वेरियस पार्ट पर में वेरियस दिखाता है इसीलिए रियल मार्केट में रिवर्सल इसलिए रियल मार्केट दिखाया है इसीलिए कॉन्वेंशनल जो है वो एकदम बिल्कुल वही रहेगा। और यह किकर सिग्नल वो भी अच्छा है एसीसी में बना है एसीसी में आप लोग देख सकते हैं किकर सिग्नल ये भी एक अच्छा पैटर्न है ये भी एक अच्छा पैटर्न है। एसीसी कहाँ गया एसीसी देखिए ये किकर सिग्नल बना है ये दो लेवल का ये किकर सिग्नल बना है। उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड पावर बहुत सारा है लेकिन सभी में सब समय बनता नहीं है लेकिन जब बनता है तो अच्छा ही देता है। इधर है बुलिस हरामी बियारी सारामी इतना सारा मैं आज दिखाता नहीं हूँ। ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट अब लोग ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है सर्च कीजिए एल टी बना है एल टी में बना है ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट तीनों कैंडल का एक पैटर्न है। इसका जो पैटर्न है ये ब्रेकआउट हुआ है और इसका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बुलिश बियरिश ट्रेंड लाइन ये किसी भी जगह किनार में आप लोग को नहीं मिलेगा और नहीं और आप लोग को मिलेगा भी तो आप लोग को किसी कुछ 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 साइड में आप लोग को मिलेगा लेकिन आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। और मतलब ये पियर्सिंग पैटर्न बना है MFSL में ढूंढना पड़ेगा और फॉर्मूला भी आप लोग को देना पड़ेगा खुद से वो उसको मतलब स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सारा कंडीशन लगाना पड़ेगा तो आप लोग को सभी समय पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। और ये है फिबोनाची का लेवल्स है फिबोनाची का जो लेवल्स है 5 डेज का हिसाब से 7 डेज का हिसाब से 3 डेज का हिसाब से आप लोग इधर से कुछ भी स्टॉक्स देख लेते हैं। सोच लीजिए आप लोग इतना तक देखिए फॉलो कीजिए सोच लीजिए इतना तक फॉलो कीजिए 10 तक तो आप लोग को इसका पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी दिखा दिया इसीलिए इधर से और बैंक निफ्टी निफ्टी का नहीं दिखाता हूँ। और इधर से बैंक निफ्टी निफ्टी को आप लोग का ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी में का वीडियो आप लोग देख लीजिए उसका लेवल आप लोग को पता चल जाएगा। ये है वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची आप लोग कमोडिटी भी इधर से देख सकता है ये भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स गन लेवल्स ये R1 R2 R3 R4 ये सब रेजिस्टेंस है मतलब बाय का लेवल है और ये सब सेल का लेवल्स है ठीक है। इसके बाद आप लोग गन डिग्री का है ये गन डिग्री का है वो गन एंगल का लेवल गया। इसके बाद फिबोनाची बेस्ड है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग को गन लेवल भी ये है इलियट वेव का वेव 1 वेव 2 ये सब है आप लोग को और भी लेवल दिखाऊंगा और दूसरा फाइल से। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये जो T1 बाई का एंट्री लेवल और बाई के बाद T1 T2 है ये सब बाई का लेवल है और T1 T2 है सेल का एंट्री लेवल है और टारगेट है ये भी लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है और इसमें भी काम कर सकता है। और इधर से आप लोग को कुछ लेवल दिखाऊंगा तो इसमें अभी बहुत सारा चीज़ मैंने बना के रखा हूँ तो स्टॉक्स आप लोग देख सकता है। इधर से आप लोग को बहुत सारा इंडिकेटर्स भी मिल जाएगा आप लोग को ट्रेंड देखने के बाद उसके बाद बाय सेल लेवल आप लोग
और देख सकता है, बहुत सारा इंडिकेटर्स बना के अब इधर दिया हूँ। तो जो लेवल दिखाना चाहता हूँ वो लेवल आप लोग देखिए, आप लोग को लेवल से मतलब है वो मैं जानता हूँ। तभी जो लोग को मतलब स्क्रीनिंग करना है इंडिकेटर्स का वैल्यू देख के उसके बाद वाइसल लेवल्स देखना है तो वो देखा नोट कर सकता है। ये जो वाइसल लेवल्स आ रहा है, ये वाइसल लेवल आप लोग नोट कर सकता है, बहुत ही आराम से इसमें काम कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस भी आप लोग देख सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नोट कर सकता है। और ये भी H1 H2 H3 एक्चुअली कैमरिल का कैलकुलेशन है, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। और इसका जो रूल है इसका नोट कर सकता है और उसी का हिसाब से काम कर सकता है। जब LTP जब H3 और L3 के बीच में होगा तो क्या कब क्या करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है। LTP जब H3 और H4 के बीच में है तो कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, बाई करने के लिए कहाँ पर टारगेट रहेगा, सेल करने के लिए कहाँ पर क्या करना है, ये सब देखा इधर दिखा दिया। और इधर देखिए, इधर एवरेज 2 रेंज के ऊपर फिबोनाची का लेवल्स है, ठीक है। और इधर ATR एवरेज 2 रेंज 7 डेज का हिसाब से, और एक्चुअल जो ATR है होता है 14 डेज का हिसाब से, ये है इसका लेवल, ये फिबोनाची बेस्ड लेवल है। और ये एक्चुअली 30 डेज का हिसाब से भी मैंने बनाया हूँ, वो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकता है। एक्चुअली जो लोग मार्केट को पूरा मार्केट को ट्रैक करना चाहता है वो नोट कर सकता है। इधर गन एंगल्स वेस्टर्न 2 रेंज देख सकता है 1 डेज का हिसाब से 2 रेंज। और ये जो है गन एंगल ATR जो है, एक्चुअल जो ATR है ATR 14 पीरियड का, इसका बेस्ट गन एंगल का हिसाब से लेवल्स है। और इधर गन एंगल्स गन डिग्रीज का लेवल्स है ये, ठीक है। 2 रेंज 1 और ATR 14। और इधर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल, ठीक है। गन डिग्रीज का डिस्टेंस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का, ये आप लोग देख सकते हैं, नहीं भी देख सकता है वो आप लोग 1 डे का हिसाब से जो है वो देख सकता है। और इधर जो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन शायद 30 डेज तो हो गया, हाँ ये 1 डेज का हिसाब से बना है, ये आप लोग जरूर नोट कर सकते हैं। इसमें आप लोग सख्त से काम कर सकता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो फिर कल सुबह मिलेंगे। धन्यवाद।